हे hey, तो कैसे यार सभी लोग। सो ये वीडियो देखो यार, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एक अकाउंट की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी अकाउंट की माइट 100 मिलियन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा। देखो, पैसों के बारे में पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं। एक T4 अकाउंट, सिर्फ एक T4 अकाउंट, क्योंकि पहले T4 के अलावा कुछ था ही नहीं। तुम T4 अनलॉक करो, तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट गेम ख़त्म हो चुका है। तुम काफ़ी कुछ गेम में अचीव कर सको सिर्फ T4 खोल के, क्योंकि पहले ज़्यादा कुछ था नहीं। तो एक सिर्फ T4 अकाउंट पहले के टाइम में 10 से 15 हज़ार रुपये का मिलता था तुम्हें। थोड़ा बहुत अटैक ठीक मिल जाता था, 350-400 के आसपास में, 10 से 15 हज़ार रुपये का आराम से तुम्हें एक T4 अकाउंट, ठीक है। या थोड़ा सा सस्ता या महंगा हो सकता है, इसमें प्राइस के बारे में मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, पर फिर भी आज के टाइम पे अगर तुम्हें सिर्फ T4 अकाउंट चाहिए तो तुम्हें 1 से लेके 2 हज़ार या 3 हज़ार रुपये में एक T4 अकाउंट मिल जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और फ़र्क पड़ता है कि उसका अटैक कैसा है, लाइक उसका अटैक ज़्यादा है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी माइट क्या है, थोड़ी सी ट्रूप्स कितने हैं, स्पीड अप जंप्स कितने हैं, तो उस पर थोड़ा डिपेंड करता है। पर अगर सिर्फ T4 है, लाइक 150 मिलियन का कोई अकाउंट है, उसमें सिर्फ T4 है, तो अटैक ठीक है। मतलब 300 क्रॉस करता है ये वो, सिंगल टैप में, ये टाइप में, वो टाइप में, तो हाँ 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे ख्याल से कम ही होगी शायद से, देने वाले तो 500 रुपये भी नहीं होते। हाइपर हाइपर 200, 300, 400, 500 रुपये में बिकते हैं यार आजकल, तो वही चीज़ है। अब ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है, ये 2 या 2 साल से मान लो, मेरे ख्याल से 2 साल का ये टाइम पीरियड रहा है जितना भी रहा है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो अभी बीच में इतने सारे अपडेट्स आ चुके हैं कि अब T4 सिर्फ खाली T4 ही वो नहीं है, समझ रहे हो। फैमिलियर्स अपडेट आ चुका है, Pact 4 वगैरह ले लो, आर्मी टैलेंट्स आ चुका है, मिथिक गियर आ चुके हैं, एंड हाँ T5 कैसे भूल सकते हैं, T5 आ चुके हैं। तो हाँ इसीलिए अब वैल्यू नहीं है इतनी ज़्यादा। अब वैल्यू क्या करते हैं, अब तुम्हें पता करना है। अब देखो एक और चीज़, तुम्हें अगर कोई अकाउंट बाय करना है, एक और चीज़ जैसे मैंने बताया कि एक T4 अकाउंट 2-3 हज़ार रुपये मिल जाता है, ये उससे ज़्यादा उसकी ये नहीं है वो नहीं है। अब तुम्हें आके कोई बोले कि वो 2-3 हज़ार रुपये का T4 अकाउंट बेच रहा है, तो भाई अपने रिस्क पे लेना प्लीज़, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई तुम्हें आके बोले 3 हज़ार रुपये का तो उससे ले लो जाके, अपने रिस्क पे लेना। क्योंकि हाँ मुझे बहुत लोगों से मेल मिल रहे हैं कि भाई तेरा नाम यूज़ करके, भाई तुम्हारा नाम यूज़ करके कोई बंदा बोल रहा है कि वो हाइबरनेशन है, या हाइबरनेशन उसका चैनल है, ये कर रहा है, वो है, पता इधर उधर की बात है। और लोगों से अकाउंट, ऐसे लोगों से अकाउंट बाय करते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी बात है मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ कुछ बातें हैं जो कि मेरे ग्रुप से रिलेटेड हैं, बट उनको फिर कभी हम क्लियर कर सकते हैं अगर जैसा भी रहेगा। पर हाँ मैंने अकाउंट बाइंग और सेलिंग के ऊपर महीनों पहले वीडियो बना रखी है, अगर तुमने वो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार वो देख लो, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। पर ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, ठीक है, मैं बाय करने के लिए अकाउंट पहले पहले की बात भी थी, मेरे से कोई ने अकाउंट बाय किया, किसी ने नहीं किया बे। और मेरा नाम कोई कोई यूज़ कर रहा है और उससे लोगों ने अकाउंट बाय किया, कैसे, क्या मतलब, क्या मेरे माथे पे कुछ लिखा है शायद से, जो भी जैसा भी है, खैर जाने दो, टॉपिक पे वापस आते हैं। मेन चीज़ है अकाउंट की वैल्यू। अब तुम्हारा पास 100 मिलियन का माइट का अकाउंट है तो उसकी वैल्यू ऐसे नहीं लगती है। मेन चीज़ है कि उसमें जो रिसर्च है, लाइक इकोनॉमी में कैसी है, मिलिट्री में कैसी है, मॉन्स्टर में कैसी है, अपग्रेड मिलिट्री में कैसी है, एंड फैमिलियर्स कैसे हैं, पैक्ट फोन अनलॉक है नहीं है, फैमिलियर कितने मैक्स हैं, इधर उधर की बातें। अब मेन चीज़ है देखो, कोई अकाउंट है 1 बिलियन का, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एक 1 बिलियन माइट का अकाउंट है तो उसमें क्या क्या है, उसमें मेनली उसकी 400 मिलियन रिसर्च माइट है। अब जैसे कि देखो अगर मैं बात करूँ कोर माइट की, देखो 225 मिलियन रिसर्च माइट है। रिसर्च माइट क्या है यार, तुम्हें बताती है कि मेन तुम्हारे अकाउंट में दम क्या है। अब देखो मेन चीज़ मैं सच्ची बताऊँ, थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पर। अब कोई एक कैस्टल है, ठीक है, अकाउंट की वैल्यू पता करने के लिए, देखो जो समझने के लिए सबसे बढ़िया, एक सेकेंड अभी क्या ही कर रहा हूँ मैं, जाए दो अकाउंट की वैल्यू समझने के लिए। अब देखो कोई नया कैस्टल होता है जब वो किसी को रिसोर्सेज सेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो अगर कोई नया कैस्टल हो तो कितनी आर्मी भेजता है, 3 मिलियन, जब वो 25 कर लेता है अपनी जो भी चीज़ है ट्रेड शॉप जो जो भी, 3 मिलियन भेजता है ना। मैं यहाँ पे
7.2 मिलियन एक बार में बेच सकता हूँ। और अगर मेरे पास मेरा स्नो बीस्ट मैक्स हो तो उसकी हर मैक्स करने के बाद में 8 घंटे में उसकी फैमिली स्किल है तो मैं 32 या 34 मिलियन कुछ भेज सकता हूँ एक बार में रिसोर्सेज। तो हाँ, फ़र्क रहता है रिसर्च माइट से, जो रिसर्च होती है ना इससे फ़र्क पड़ता है। अब कैस्टल 25 है, वो 5 आर्मी भेज सकता है, जो हम ये आर्मी भेजते हैं लाइक हंटिंग के लिए आर्मी भेज रहे हैं, लाइक देखो यहाँ पे हम आर्मी भेजते हैं, 5 भेज सकते हैं, मैं 6 भेज सकता हूँ, मैंने एक रिसर्च की हुई है बिगर आर्मी की और 2 रिसर्चें और हैं, ठीक है, तो मैं टोटल 8 आर्मी भेज सकता हूँ। और हाँ, एक्चुअली 9 आर्मी भेज सकता हूँ एक ग्लिच के द्वारा। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक ग्लिच दिखाता हूँ, ठीक है, एक ग्लिच दिखाता हूँ, गेम का ग्लिच है या जो भी है मुझे नहीं पता, पर काफ़ी बार हुआ ये। तो देखो यहाँ पे मैं हेल्ड राइडर को हंट करने के लिए भेज रहा हूँ, ध्यान से देखना, गेम भी कभी कभार ऐसी हरकतें करता रहता है, ठीक है, तो हंटिंग गियर नहीं लगाया था मैंने, सॉरी। तो अब देखो यहाँ पे मैं दूर अपने बैंक को रिसोर्सेज जो है सेंड करता हूँ, ठीक है, वैसे मेरा प्रोडक्शन फुल हो गया था, सेंड तो करनी ही थी मुझे। तो अब मैं मॉन्स्टर हंट कर रहा हूँ और यहाँ पे रिसोर्सेज सेंड कर रहा हूँ अपनी बैंक को, एंड मॉन्स्टर मेरा वापस ना आ जाए कहीं पहले। और ये वापस आ गया, नूपड़ा कहीं का, ठीक है। वाइल्ड राइडर कहाँ गया जिसको हमने हंट किया था, ये रहा। तो देखो अब मेरी आर्मी लिमिट 6 है, पर यहाँ पे मैंने 7 आर्मी भेज दी, देख सकते हो तुम। अब मैं भेजूँगा तो आर्मी लिमिट दिखा देगा, ऐसा क्यों? यहाँ पर तुम देख सकते हो 7 आर्मी लिमिट, अब ये ग्लिच है या कोई और हरकत है मुझे नहीं पता, पर ये होता है, ये ग्लिच मान लो या कुछ भी मान लो। देखो हंटिंग करने भी जा रहा हूँ मैं, 6 आर्मी थी और मेरी 7 आर्मी क्यों दिखा रही हैं? और मैं चाहूँगा दिखाना, और किधर गया, यहाँ नहीं दिखाता है, आर्मी लिमिट किधर दिखाएगा भैया, सॉरी मेरा गलत, आर्मी लिमिट यहाँ पर दिखाएगा, सॉरी। तो यहाँ देख सकते हो आर्मी लिमिट मेरी 6 है, पर अभी अभी बिल्कुल जस्ट में तुमने 7 देगी। सो हाँ, गेम में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी ऐसा रहता है, पर हाँ ये तभी काम करता है जब तुम ऐसे हंटिंग करो और रिसोर्सेज सेंड करो, सिर्फ कभी कभी काम करता है। तो हाँ, वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, देखो भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये चीज़ है, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब कोई 1 बिलियन का अकाउंट है, ठीक है, उसकी ये रिसर्चेस माइट है, तो वो ज़्यादा चीज़ें कर सकता है, उसका डेक ज़्यादा रहेगा, कोर उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, पर उसमें क्या है, उसमें काफ़ी सारे ट्रूप्स हैं, उसकी माइट 1 बिलियन है तो ट्रूप्स होंगे, जाहिर सी बात है। उसके गियर ठीक ठाक है, 500-600 उसका अटैक जाता है, उसमें कोई सारे जो उसके फ्री टू प्ले हीरो हैं वो गोल्ड हैं, एंड 1-2 पर्पल हीरो हैं, 1 पेड हीरो, बिग गाय गोल्ड है, सब बिग गाय ही करते हैं, 1 बिग गाय गोल्ड है, 1 लोअर वीवर गोल्ड है, और 1 पर्पल या ब्लू हीरो पड़े हैं उस पर पे टू पे वाले। सो हाँ, मतलब लोग होते हैं, ठीक है, तो उस 1 मिलियन माइट के अकाउंट की कीमत क्या होगी? अगर मुझसे पूछे, मैं उसे पहली बात बाय नहीं करूँगा, मैं उसे ऐसा रैली फिलर के तौर पे भी बाय नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी माइट 1 बिलियन है, मुझे सर दर्द नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं उसे माइग्रेट करूँगा मुझे फालतू के स्क्रोल का झंझट नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं कि माइट, देखो माइट बढ़ाने से सर दर्द होता है, क्योंकि माइट अगर तुमने तुम्हारी बढ़ा ली तो जो जब तुम माइग्रेशन करोगे तुम्हें ज़्यादा स्क्रोल चाहिए, तो ये चीज़ रहती है। लो माइट के लो एक माइग्रेशन में तुम्हारा कोई सर दर्द नहीं होगा, तो ये एक बड़ा एडवांटेज रहता है। अब उसमें ट्रूप्स हैं, मैंने बोला अब ट्रूप्स हैं, अब ना तो मैं उससे रैली डिफेंड कर सकता हूँ, क्योंकि 1 बिलियन माइट के प्लेयर पे कोई रैली नहीं करता है। तुम्हारी माइट 400 मिलियन, तुम्हारे पास एक अच्छा ट्रूप कॉम्प है, तुम पर लोग रैली करेंगे, 400 मिलियन माइट पर रैली करते हैं लोग, पर 1 बिलियन माइट पर कोई रैली नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, अब तुम टाइटन किंगडम में चले जाओ, वहाँ 0 के आ जाओ, तो वो एक अलग बात है, वो तो करेंगे, वो तो भाई 100-150 रैली मारेंगे आराम से, जितना भी है वो है, पर मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली, हमें गेम खेलना है यार, तो नहीं करूँगा उससे, क्योंकि वो किसी काम का नहीं, रैली फिलिंग भी नहीं कर सकता। अगर अगले महीने मेरे गिल्ड ने माइग्रेट किया और उसमें स्क्रोल नहीं है, तो मैं कहाँ भागूँगा, मैं कहाँ सर मारूँगा, तो वही चीज़ रहती है भाई। अब वैल्यू क्या करती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया उसमें कोई पेड़ नहीं है, मेन चीज़ पता है क्या,
ना तो वो मैं उससे कुछ सोलो कर सकता ढंग से, उसका अटैक अगर 500 550 600 है तो ना उससे सोलो कर सकता मैं। हाँ, इधर उधर लीडर कैप्चर करवाता फिरूँगा जैसे वो, जो कि मैं ऐसा अकाउंट से भी करवाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं है उसे लेने का। तो उसका प्राइस तो बहुत दूर की बात है और मैं किसी को भी प्राइस नहीं बताने वाला अब चलो आगे, क्योंकि मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि अभी करेंट में क्या प्राइस चल रहा है या क्या चल रहा है मार्केट के हिसाब से या जो भी है। बट लोग अकाउंट बाय क्यों करते हैं, बाय करना क्यों रहता है? अब देखो, अगर मुझे मेरे पास सबसे बढ़िया मुझे मेरे अकाउंट का अटैक बढ़ाना है, ठीक है, मुझे मेरे अकाउंट का 850 या फिर 850 या 900 अटैक करना है मुझे, तो कैसे होगा? अब देखो मैं सिंपल चीज़ तुम्हें क्या लगेगा कि भाई गियर अपग्रेड करो, ज्वेल्स लगाओ, ठीक है। ये जो यहाँ पे तुम कैव का सेट देख रहे हो ये मुझे अभी 266% कैव अटैक दे रहा है, एंड यहाँ पे हर एक गियर जो है वो एक प्रॉपर गियर है। मिथिक को हटा के, मिथिक सेट को हटाया जाए तो एक प्रॉपर गियर है जो कि कैव का एक सेट होता है, उसका प्रॉपर गियर है। मेन हैंड मेरा तुम मेन हैंड में गागंटुआ का कर सकते हो मेन हैंड यूज़ पर, ये कैव का मेन सेट है। अब इसमें क्या अटैक प्लान क्या करोगे तुम, इसके सारे गियर मिथिक कर लोगे, ठीक है, इसके सारे गियर तुमने मिथिक कर लिए, सभी में कैव के लेजेंडरी ज्वेल लगा दिए, गागंटुआ के लेजेंडरी ज्वेल लगा दिए, उनसे भी तुम्हें अटैक मिल गया, सारी चीज़ें हो गई। लास्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 650 680 से तुम्हारा अटैक 1% आगे नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाने वाला, भूल जाओ तुम सारे सपने देखना, भूल जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 700 पहुँच जाएगा, 710 20 30 40 इतना ही पहुँचेगा, 800 क्रॉस नहीं करेगा बिल्कुल भी, तो नहीं बढ़ेगा इतना। पर अब तुम्हें अटैक चाहिए, ठीक है, अब इतना तो बोल दिया। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये जो यहाँ पे कैव सेट है इसके साथ, कैव सेट पहले बता दूँ, कैव सेट ईजी रहेगा करने में क्योंकि गारंट हुआ जैसा भी है, तो मटेरियल मेंटेनेंस बाय करते रहो करते रहो करते रहो और तुम्हारा गियर हो जाएगा एम्ब्रोशल कप। लाइक तुम्हें तुम्हारे 3 कप मिथिक करने हो तो वो एक बात अलग रहती है क्योंकि ड्रॉप रेट हेलो का बहुत ख़राब रहता है। टाइकून बढ़िया, अभी मैं टॉपिक अलग क्यों हट रहा हूँ टॉपिक से, टॉपिक पर रहता है, कैव सेट की बात कर रहे हैं हम। हाँ, कैव सेट, तो कैव सेट देखो ग्रो करने में मटेरियल मेंटेनेंस बाय करते रहोगे करते रहोगे, गियर तुम्हारे हो जाएंगे, पर ज्वेल्स कहाँ से लाओगे, ज्वेल्स कहाँ से लाओगे? लेजेंडरी ज्वेल्स चाहिए तुम्हें, ज्वेल्स बहुत एक्सपेंसिव है, पैक लेते लेते हाथ खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो तुम लगा लो यार, 5 लाख रुपए लगा लो, 10 लाख रुपए लगा लो, तुम्हारा अटैक वही 680-650 के आसपास ही रहेगा, यकीन मानो मेरा इतना ही रहने वाला है। 10 लाख रुपए भी तुम लगा लोगे वही तुम्हारा अटैक 700-710% हो जाएगा, भले तुम्हारे बैग में स्पीड अप जैम्स भर जाएंगे अगर ढंग से पैक बाय करोगे तो, पर नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके बाद में तुम्हें और भी चीज़ें चाहिए, लाइक तुम्हारे गियर बढ़ने चाहिए, तुम्हारे रिसर्च से। अब देखो गियर बढ़ने चाहिए मतलब कहाँ से, देखो इससे आगे तुम्हारा अटैक बढ़ेगा कैसे, देखो यहाँ उसे जल में यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ से तुम्हें 15% अटैक बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है। और यही नहीं, दूसरे उसमें आते हैं फैमिलीज बैटल में आते हैं, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा रेंज अटैक बढ़ेगा 10%, देख रहे हो। अब इसको छोड़ो, इसको गोली मारो, यहाँ भी हो गया, नहीं इसमें है अभी भी और है शायद से, रेंज अटैक 2 देख लो, यहाँ से 10% और बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है, ओके। और वंडर बैटल्स में आते हैं, वंडर बैटल्स में मेरे ख्याल से वंडर वॉर के लिए ही होगा शायद से, जो भी सिजल्स हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें हो गई। गियर्स में आ जाओ, यहाँ तुम्हारा अटैक मिल जाएगा तुम्हें, किधर गया, नीचे होगा, इन्फेंट्री ऑफेंस 2, 10% यहाँ से मिलेगा। ऐसे जाके रिसर्चों से तुम्हें तुम्हारा अटैक बढ़ाना पड़ेगा 10% करके, तुम समझ रहे हो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी वीडियो में बोली अपने कि 1% अटैक के लिए लोग तरस जाते हैं। अब देखो फैमिलियर्स ले लो यार, फैमिलियर जैसे ट्रिकस्टर ले लो, रेंज अटैक 10%, इसको इसकी स्किल से बढ़ जाता है। और किधर गया गॉब्लिन, गॉब्लिन में नहीं, ये रहा, ये भद्दा सा फैमिलियर, इससे 10% कैब अटैक मिलेगा, ये चीज़ देखने वाली है। अब ऐसे ही अटैक बढ़ता है, एंड गेम में पूरे गेम में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों में जो अटैक बढ़ता है वो है कैस्टल स्किन्स, सबसे जो महंगा पड़ती है चीज़ें उनमें से एक है कैस्टल स्किन। अब देखो इन्फेंट्री कैब अटैक, इसमें जब कैस्टल स्टार तुम 5 लगाओगे 10-15% तुम्हें इन्फेंट्री कैब अटैक मिलेगा यहाँ से, तुम्हें समझ रहे हो, और करना पड़ता है लोगों को क्योंकि सामने वाले बंदे के पास में अगर क्या बोलते हैं 700% अटैक है, तुम्हारे पास भी 700 है, तो तुम चाहोगे कि तुम्हारा 701% अटैक हो, जाहिर सी बात है क्योंकि तुम्हें जीतना है, तुम्हें तुम्हारा बेस्ट रैली लीडर अकाउंट चाहिए, तो वो चीज़ रहती है। अब बात यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, अटैक बढ़ाने वाली मेन चीज़ है
अटैक। अब कितना अमाउंट लगता है इसको बनाने के लिए? कम से कम 10 से 15 लाख रुपए प्लस। अभी मैंने हीरोज ऐड नहीं करे हैं एंड ये कैसा सार हटा के बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? अभी इसमें हीरो वगैरह ऐड नहीं हुए, पे टू प्ले वाले हीरोज जो कि ज़रूरी रहते हैं जब तुम किसी पर अटैक करोगे, तुम्हारे हीरोज़ भी ज़रूरी चाहिए। अब काफ़ी सारी चीज़ें, अब मैं बात कर ही रहा हूँ तो देख रहे हो हम एक टॉपिक, मैं इसलिए ये चीज़ बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ पर बात करने बैठूँगा चार चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी बताने के लिए, तो गेम है ही ऐसा ही। अब इतना पैसा कौन लगाएगा भाई? अब लगाएगा कौन? लगाते हैं, लगाते थे लोग, पर बेस्ट चीज़ क्या रहती है, लोग अकाउंट की बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक था ये। क्योंकि अगर तुम्हें चाहिए जिस अकाउंट का जिसका अटैक हो 800% प्लस, तो वो तुम्हें 1 से 2 लाख रुपए मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तुम्हें 10 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 3 लाख रुपए मिल जाएगा मेरे ख्याल से, 2 से 3 लाख रुपए मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। लाइक 700-750% अटैक वाला तुम्हें अकाउंट 1-2 लाख रुपए मिल जाएगा, 3 लाख रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा। पर अब तुम उससे आगे जाना है, लाइक तुम्हें पेड हीरोज भी चाहिए और अटैक 800+ चाहिए या और चीज़ें चाहिए उसमें ऐड, तो देखो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब तुम्हें चाहिए चैम्प। अब देखो चैम्प गियर में डिफरेंस क्या रहता है मैं बताऊँ तुम्हें, नहीं ये अगली वीडियो बताऊँगा, वीडियो लंबी हो रही है। अब देखो अगर तुम्हें डिफरेंस जानना है कि चैम्प गियर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हैं, जो चैम्पियन सेट होते हैं वो एक्सपेंसिव क्यों हैं नॉर्मल गियर्स के मुकाबले में, या उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों मानी जाती है, क्यों हैं क्यों नहीं है, तो इस वीडियो पे आज 24 आवर्स से पहले मुझे 200 लाइक चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड ये चीज़ें रहती हैं अकाउंट के वैल्यू वगैरह जानने के बारे में। अब भी देखो काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है, सिंपल सी चीज़ यही है, तुम्हारे अकाउंट में अटैक हो, तुम्हारे हीरोज़ हो, रिसर्च हो, उससे तुम्हारी वैल्यू पता चलती है। प्राइस को गोली मारो अभी के लिए, तुम्हारे पास एक अकाउंट है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें जो तुम्हें खुश रखने के लिए चाहिए, ठीक है। अब ये जो खुशी है ना ये कभी कम नहीं होगी। मैंने सोचा था बस मेरी अकाउंट की मार 150 मिलियन हो, T4 हो मेरे पर, बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आज भी खुश नहीं हूँ। मैंने सोचा था मेरा अटैक 500 क्रॉस करे, मेरा 500 क्रॉस कर गया अटैक, मैं आज भी कुछ नहीं हूँ। क्योंकि ये ख्वाहिश ना ये बढ़ती जाती है, बस तुम्हें तो उस पर कंट्रोल रखना है। देखो मुझे आज भी अच्छे से याद है वो दिन जब मुझे खेलते हुए 20 दिन हुए थे, हम एक हाइव पे अटैक कर रहे थे, T2 थे उस टाइम पे, मेरे पे 20-25 या 30 दिन हुए थे मुझे खेलते हुए, तो मेरे पे T2 थे, हम हाइव पे अटैक कर रहे थे, कैस्टल लेवल 14-15-16-17 होगा कुछ मेरे ख्याल से, तो अटैक कर रहे थे, मेरी आर्मी डेड हो गई थी एंड मैं गेम छोड़ने की सोच रहा था। पर मैंने सोचा नहीं यार मज़ा आ रहा है ऐसे अटैक करके, जो अटैक करते हैं कैस्टल सामने वाले का जलता है, तो वो उतनी खुशी ही काफ़ी थी मेरे लिए भाई, उतनी ही खुशी काफ़ी थी उस टाइम पे मेरे लिए। तो मैंने सोचा बस यार खेल लेते हैं एक, तो एक गिल्ड में था मेरे बंदा, सो उसको 100 डेज कंप्लीट हो गए थे, उसका कॉन्सिक्यूटिव लॉगिन 100 था, तो मैंने बस कुछ से ये बोला था कि यार 100 कॉन्सिक्यूटिव लॉगिन करूँगा फिर छोड़ दूँगा गेम। पर जब तक मैंने 100 कॉन्सिक्यूटिव लॉगिन मेरे कंप्लीट किए तब तक इस गेम से पता है मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी, क्योंकि इसमें चीज़ थी जब अगर समझा जाए तो है अंदर देखने के लिए, तो मुझे बस समझना था, तो बस वही खेलता रहा। आज 1160 दिन हो चुके हैं। एंड हाँ तुम्हारे भाई ने कभी सोचा नहीं था उसका खुद का एक YT चैनल होगा, तो हाँ ये भी स्टार्टिंग जैसी भी हो यार, बस तुम्हें सोचते रहना है एंड कभी इस चीज़ पर फोकस करना है। अब कभी भी ये मत करना कि वो करना है, अब अकाउंट यार किसी से भी बाय करो, अपने उस पर करो, मिडल मैन हो या कोई भी हो, क्योंकि ये चीज़ें फ्रॉड वगैरह की बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं, तो देख के पैसा किसी का भी वो नहीं होता। एंड अगर तुम किसी से 5,000 रुपये का फ्रॉड होता है तुम पुलिस में नहीं जाओगे कंप्लेन करने की 5,000 रुपये का तुम्हारा फ्रॉड हो गया है, तो ये चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी। हाँ अब काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं स्पाइंग वगैरह के बारे में, मैंने एक अकाउंट सेलिंग वीडियो बनाई है इसके ऊपर मैं बाइंग और सेलिंग के ऊपर, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके वो भी देख लो। एंड इस वीडियो पे 200 लाइक्स करो 24 आवर से पहले। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए चैम्पियन सेट वर्सेस नॉर्मल गियर सेट जो होता है उनमें डिफरेंस क्या रहता है, ज़रूरी क्या है, और बस यही फॉलो करो जाके हमारा इंस्टाग्राम का मीम पेज डिस्क्रिप्शन में, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो बस यार वीडियो एंड यही करते हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।